हमें अपने आप से कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? मतलब कितने मार्क्स स्कोर करूं तो काफी होगा? Are you saying that? अगर मैं मार्क्स लाने में कामयाब होगी तो लाइफ में भी कामयाब हो जाऊंगी? मेरा दिमाग पूरे साल 24/7 चलता है, सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में आकर अचानक बंद हो जाता है। फ्रैंकली मैं आज तक कंफ्यूज हूँ कि पढ़ाई का एग्जैक्ट मतलब है क्या। हमसे ज्यादा स्मार्ट तो हमारी सेलफोन से। कई बार लगता है कि टीचिंग में हम अपनी गलतियों से ही सबक सीखते हैं, कि फेलियर्स के बाद ही असली मुद्दे पर ध्यान जाता है। अजीब लगता है लेकिन इस सफर पे निकल पड़ी हूँ टू सेलिब्रेट फेलियर। फिजिक्स क्या पढ़ाना, लाइफ में हर कहीं फिजिक्स है। क्या ऑब्जर्व किया? या मैम, ऊपर से नीचे आते हुए साउंड शार्प होता गया। राइट, और क्या ऑब्जर्व किया? पोजीशन ऑफ फिंगर्स के बारे में? या जैसे जैसे हाथ क्लोज हुए साउंड शार्प होता गया। Exactly. वैक्यूम क्लीनर कैसे फंक्शन करती है? वैक्यूम क्लीनर के अंदर हवा जीरो होती है। Now watch. तो मैच स्टिक ने अंदर की हवा जीरो कर दी और डस्ट को अंदर खींच लिया। सो मेक अ लिस्ट, हमारे आसपास की जिंदगी में कौन कौन से वो चीजें हैं जिनमें फिजिक्स है, बिकॉज फिजिक्स इज लाइफ। आपका अच्छा है, क्लासेस खत्म, सीधे घर। कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना आपका फैसला था। सच पूछो तो यहाँ से बेटर पेमेंट है। लेट्स फेस इट, सबके हस्बैंड्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तो नहीं होते ना। दैट वाजंट अ जोक। नहीं, बचपन में एक बार मैंने माँ से पूछा था कि माँ स्कूल के बाद मैं भी ट्यूशन ज्वाइन करूँ, तो पता है माँ ने क्या जवाब दिया? क्यों, तुम्हारे स्कूल के टीचर तुम्हें अच्छे से पढ़ाते नहीं है क्या? आप कह रही हैं हम काबिल नहीं हैं? नहीं, पर एक अच्छी टीचर एक कमजोर स्टूडेंट को गुड और एक गुड स्टूडेंट को सुपीरियर बना दे तो ये कोचिंग क्लासेस जो दुकान की तरह चल रही हैं कल बंद हो जाए, फिर आप भी आराम से घर जा सकती हैं।
अरे क्या कर रही हो तुम, लग जाएगी तुम्हें। अरे नहीं लगेगी, जीरो स्पीड से छोड़ा था। कल क्लास में डेमो है ना, कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। जिस हाइट से छोड़ा था उसी हाइट पे जाके रुकेगा। फिजिक्स वर्क्स। दैट इट डज। हॉल को तो तुमने फिजिक्स लैब बना दिया है, चलो किचन में चलते हैं। पर हम बाहर नहीं जा रहे, वहां कुछ नहीं है। ग्यारह बज गए, फाइव स्टार ले जाऊंगा तो तुम नाराज होंगी। तो टोनी का ढाबा चलते हैं। ऐसा करते हैं, उर्दू में खाते हैं, डिजर्ट फर्स्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वाइफी। सिर्फ बर्थडे याद रखने को प्यार जताना नहीं कहते। बाकी के 364 दिन हूँ। ठीक अच्छा। इससे डाउन मार्केट कोई जगह नहीं मिली बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? Come on यार, कितनी खूबसूरत जगह है। Look at the mountains and you'll get fresh food, organic vegetables and all. यार किसी फाइव स्टार होटल में लेके जाती, I'm sure प्रदीप can afford that. मेरी कमाई की ट्रीट है, खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ। संतोषी, खुर्शीद, आज भी अगर तुम लोगों ने शुरू की ना तो भाई मैं जा रही हूँ। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, पीछा छूटेगा। गुड रिडन्स। Come on यार। ऑर्गेनिक फूड इज अराइव्ड, वेरी गुड। क्या बात है। हाँ इधर रख दीजिए। By the way, प्रदीप क्यों नहीं आया? क्यों? ऊपर की कमाई में बिजी हो। Shut up. Ah yes, this is organic green chilies. अच्छा टली, ये खबर सही है क्या कि प्रदीप ने रमन भाई ज्वेलर्स के यहाँ से 10 करोड़ का कैश पकड़ा? बीना, you know what? He's a no nonsense guy. जब वो रेट डालता है ना, तो builders, industrialists, actors के चेहरे देखने लायक होते हैं। कब देख सकते हैं? मिस्टर सिंह, वी हैव एविडेंस कि 3 कॉरपोरेट हेड्स को टैक्स इवेजन वेवर देने में आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, इज दैट राइट? माय लॉयर विल गेट इन टच विद यू। मैम प्लीज साइन। कैश आपकी किताबों के पीछे ही मिला है ना, और आपको पता ही नहीं। साइन कीजिए।
हेलो जी आदाब जी हाँ जी हैं हेलो हाँ माँ हाउ आर थिंग्स एट द एसएस विलेज हाँ जी जी हम लोग साथ ही हैं हम सब माँ मैं बाद में बात करूँ आपसे जी अच्छा सलाम स्टूडेंट्स को कैसे फेस करूंगी मिस्टर वलेचा वैल्यूज एजुकेशन की बात करूंगी तो आई विल साउंड फॉल्स संतोषी यू आर बीइंग टू आइडियलिस्टिक पब्लिक मेमोरीज टू शॉर्ट सब भूल जाएंगे पर मैं कैसे भूल सकती हूँ हाय सॉरी बहुत भूख लग रही थी मुझे तुम्हारी काली दाल और मिस्सी रोटी भी आ गई है जल्दी फ्रेश ना होके आ जाओ खाना ठंडा हो रहा है यू नो ये हर डिपार्टमेंट में होता है इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी जस्ट सम जेलस कलीग्स डूइंग रिवेंज ऑपरेशन कहते हैं हम इसे एनीवे सब कुछ सेटल हो गया है लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट You are overreacting. आप बैठिए माँ भी फील्ड वर्क से आएगी ठीक है
उस दिन जब तुम्हें लाया गया था पहली बार फिल्म देखने गई थी। जय संतोषी माँ। सो तुम्हारा नाम संतोषी रख दिया। बचपन में तुम्हें अंधेरे से डर लगता था और आप मुझे लेकर अंधेरे में बैठती थी डर दूर करने के लिए। अंधेरे से लड़ना सिखाया। सीखी। कितना सुंदर है ना सब। जुगनू की लाइफ सिर्फ कुछ दिनों की होती है लेकिन वो एक भी रात अंधेरी नहीं जाने देते। अपना ना से मुझसे। खुद से। I failed you as a teacher. तुम्हें हारना नहीं सिखा पाई। जब काय नहीं बात होता। बर इन लोगों को किसी मेडिकल स्टूडेंट से ज्यादा पेड़ और पौधों के मेडिकल क्वालिटीज के बारे में पता है और हम इन्हें अनएजुकेटेड कहते हैं। ऑब्जर्वेटरी के पहले सुनामी का पता इनको लगता है और वो हमसे ज्यादा जिंदा भी रहते हैं। कोशिश करो 100% और अगर फेल भी हो गई तो हम सेलिब्रेट करेंगे। लुक आई डोंट हैव टू टेल यू दिस। यहाँ एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स फॉरेन मिल जाते हैं। I understand that, Mr. Vilecha. Let me see. Sector 6 के ब्रांच में शायद एक फिजिक्स टीचर की जरूरत है। पूछता हूँ, but I don't promise. Thank you so much, sir. You know, you can stay here as long as you like. वो सरयू आंटी LA में 3-4 साल तक तो वापस नहीं आने वाली। अजीब लॉजिक है इन सिविल कोर्ट्स का। जब मियाँ बीवी को साथ ही नहीं रहना तो 6 month मैरिज काउंसलिंग से क्या होगा। लो थैंक्स। मुझसे कहता है कि किंडल का जमाना है, बुक्स को लेकर इतना सेंटिमेंटल होने की क्या जरूरत है। आई थिंक प्रदीप को मैरिज काउंसलिंग की नहीं साइकेट्रिक काउंसलिंग की जरूरत है। संतोषी जी, आई मस्ट फॉरवॉर्न यू, मेरा गोल्डन रूल है कि सिलेबस टाइम से पहले पूरा हो। श्योर मैम, कोशिश करूंगी। प्लीज। थैंक यू सर। टेल मी आवर एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में व्हाट आर योर व्यूज।
यही कि फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही बच्चों को किताबों की आदत डाल दो और मार्क्स का इम्पोर्टेंस समझा दो, ताकि 25 साल की उम्र तक वो पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करता रहे, फिर 2 साल में जॉब, और फिर जब वो 28 या 30 के हो जाएं, तब जाके ये सोचने लगे कि ज़िंदगी में उन्हें करना क्या है। वेल, रियलिटी सप्लाई और डिमांड का है। पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं और हम सप्लायर्स। सिंपल। यस सर। ओह, तो सेक्शन डी आपको अलॉट हुआ है। एक्चुअली मैं देखना चाह रहा था हु इज द चोजन वन। यू नो, प्रिंसिपल सानी हैज मेड अ न्यू फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स। एक्सक्यूज मी, वो सिल्वर गाड़ी MH9337 किसकी मेरी है? क्यों? उसका शीशा टूटा हुआ है मैम। Types of cells. One is electrolytic cell. 90% super section A. Relationship between two variables. 75 super section B. Deals with rate of chemical reaction. 60 and above section C. Or baki section D. I love this actor. That's Mel Gibson, yeah. Good morning. I said good morning. Good morning. That's better. मेरा नाम संतोषी कुमारी है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगी। और मैं ये बताना यस? इंट्रो की जरूरत नहीं है मैम। We googled you. आप बड़े फेमस हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के रेड में आज इनकम टैक्स कमिश्नर प्रदीप सिंह और उसकी बीवी के घर से 1 करोड़ कैश और दूसरे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। सिंह का कहना था कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है और अब ये केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और अब खबरें पार्लियामेंट से। And you are? सुहेल कपूर। चाहे तो जाके प्रिंसिपल को शिकायत भी कर सकती हैं। और मुझे वैसे भी पढ़ाई का कोई शौक नहीं है। नो सुहेल, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती थी कि मेरे बारे में और भी कुछ गूगल किया होगा तो वो भी बता दो सबको। बस यही है। फिर मैं खुद ही बता देती हूँ जो आपको गूगल में नहीं मिलेगा, कि मैंने अपने हस्बैंड मिस्टर प्रदीप सिंह से डिवोर्स के लिए फाइल किया है। इसका मतलब 6 महीने में मैं फिर से सिंगल हो जाऊंगी। बट यू बॉयज आर टू यंग, सो सॉरी। So, अभी आप लोग कुछ ऐसा करते हैं कि फ्यूचर में आप सब अपना नाम भी गूगल कर सकें। ये आपकी है? अब ये गाड़ी आपकी है? मेरी हस्बैंड की कमाई की तो बिल्कुल नहीं है। सॉरी, वो सुबह क्रिकेट खेलते हुए मुझसे आपकी कार का शीशा टूट गया था। आप नए शीशे का बिल दे दीजिएगा मुझे। मैं किसी का वैसे भी ऑब्लिगेशन नहीं रखता। अच्छा, देखता
वेलकम मेमेंटो. मैं एमजी रोड की तरफ जा रही हूँ. कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? यू आर स्पॉइलिंग मी बट ओके. यू नो सेक्शन ए ना सही, कम से कम सेक्शन बी तो आपको देना ही चाहिए था. बट आपने नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स उसी सब्जेक्ट को बहुत मजे से पढ़ते हैं. उनको अलग बिठाने के बजाय एक साथ नहीं बिठाना चाहिए, जस्ट टू एनकरेज देम. आप ऐसा सोचती हैं, अच्छा है, बट यू नो द पॉइंट इज डिमांड एंड सप्लाई. किताबें लेने आई हूँ. यहां से तुम कुछ नहीं ले जाओगी. क्यों? अब इनके पीछे क्या छुपाओगे? घर तुम खुद छोड़ के गई थी, यहां की हर चीज यहीं पे रहेगी. और अगली बार कोर्ट की परमिशन लेके आना, वरना इलीगल ट्रेसपासिंग का केस भी हो सकता है. मुझे बताया गया था कि क्लास 12 डी डफर्स की है, और मैं अपने प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. सिर्फ आपके कहने से तो नहीं होगा ना मैम? हाँ मैम, बाकी टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं. कोई नहीं पूछता हम क्या चाहते हैं. वैसे टीचर्स पे इतना खर्च करने का मतलब ही क्या है मैम? गूगल बाबा जिंदाबाद. रियली मैम, नेट में क्या नहीं है? दिमाग. आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में गूगल या विकिपीडिया तो नहीं थी, फिर वो सब क्या अनपढ़ थे. बिना किसी एप्स के उन्होंने इंटरनेट का इजाद किया. कैसे? दिमाग और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके, राइट? सो गूगल बाबा, गूगल के फाउंडर का नाम बताओ. किससे पूछ रहे हो? सी मैम, तो फिर आप ही बता दो ऐसी कौन सी चीज है जो गूगल में नहीं है. चल गाइस, शाम तक मैं सबको आंसर टेक्स्ट कर दूंगा. मुझे लगता है ट्रिक क्वेश्चन में फंसा है दोस्त. आदिल, तू खाते जाएगा या कुछ बोलेगा भी? पराठे वाली गली चले. स्टुपिड फूडी. Now what do you think, Dad?
रिसर्च कर रहा हूँ फिजिक्स. आपको पता है दिस ब्राइन में इसने इंपीरियल कॉलेज छोड़कर फ्रेडी मर्क्यूरी के साथ क्वीन बैंड बनाया. ओह कम ऑन डैड, आई वाज जस्ट टेकिंग अ ब्रेक. और वैसे भी ये ब्रायन म्यूजिक क्रिएट करने के बाद एस्ट्रोफिजिक्स सीखने के लिए वापस कॉलेज चला गया था. सो चिल. गुड नाइट. यू आर अलाइव रात के इस वक्त? Yeah, I need your help. Sorry, dude. मैंने टॉरेंट से फिल्में डाउनलोड करना बंद कर दिया. This is serious, यार. एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दें. एक कंपनी की एडिबल ऑयल की सेल 50,000 बोतल पे आके रुक गई थी. सारे मेथड्स ट्राई किए लेकिन कुछ नहीं हुआ. उस ऑयल की सेल कैसे बढ़ाएं? ये क्या क्वेश्चन है? ये कॉलेज टॉपर के लिए क्वेश्चन है. मेरी इज्जत का सवाल है. सो प्लीज गिव मी सम टाइम. करता हूँ कॉल. एक कंपनी के एडिबल ऑयल की सेल 50,000 बॉटल्स पे आके रुक जाती है, उसकी सेल कैसे बढ़ाए? व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस? ऑप्टिकल्स पर लेक्चर के बीच में तुम किस तरह का सवाल कर रहे हो? तुम्हें टॉप करना है या तेल बेचना है? सिट डाउन. अरे विश्वदीप को भी नहीं पता है, फोन स्विच ऑफ कर दिया डूड ने. इट्स 11:30, मैम नहीं आई अब तक. एक्सक्यूज मी सर, संतोषी मैम, आई थिंक शी इज ऑन लीव टुडे. ये 20 स्टूडेंट्स टीचर ढूंढ रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? शी डिड दिस ऑन पर्पस. इसे कहते हैं रियल केएलपीडी. व्हाई डिड आई हैव अ गूगल हियर? Yesterday. क्यों? टीचर क्लास बंक नहीं कर सकती? Honestly, मुझे लगा कि तुम लोगों को एक दिन और चाहिए. So, Mr. Google, what's the answer? वो मैम, दो दिन से नेट डाउन था, so I couldn't work. हाँ, ये केबल वाले गलत वक्त पर नेटवर्क काट देते हैं. मैम प्लीज आंसर. कुकिंग किसको आती है? मैम मी. यस मैम. मैम मी टू. मर्द ज्यादा अच्छे रसोई होते हैं. कंपूर. यस मैम. कुकिंग करते वक्त यही एप्रन पहनते हो? नहीं मैम, ये तो टी शर्ट. ओके. खाना पकाते वक्त ऑयल मेजर करके डालते हो? अंदाज से डालते हम. तो इसमें 10 लोगों की सब्जी के लिए ऑयल डालो. ओके. मैम. ओके. सो वी विल डू दिस वंस मोर. इसमें फिर से डालो और उस बोतल से. ओके. मैम. क्या हुआ? इसमें ज्यादा ऑयल डल गया और इसमें कम? मैम अंदाज से डालने से तो ऐसे ही होगा ना. पहले बॉटल का डायमीटर 5 mm और दूसरे का 6 mm. आपको लगा कि आपका अंदाज सेम है पर ऑयल ज्यादा डल गया.
इस तरह 20-30% कंजम्पशन ज्यादा हो गया। सिंपल, इतना क्या सोच रहे हो? टूथपेस्ट ट्रिक को मैंने एडिबल ऑयल में कन्वर्ट कर दिया। ट्यूब के माउथ का डायमीटर अगर बढ़ा दें तो टूथपेस्ट ज्यादा निकलता है, राइट? कंजम्पशन ज्यादा, सेल बढ़ गया। गूगल आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, उस इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन में बदलना आपका काम है, और वो आपको सिर्फ राइट एजुकेशन से ही मिल सकता है। सो मिस्टर गूगल, नाउ वुड यू पे फॉर एजुकेशन? मदन सर कह रहे थे अगर मार्क्स चाहिए तो शाम को उनकी प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन करो। नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल्स में फेल कर देंगे एंड देन रोज इंसल्ट होगी हमारी। तो क्या करें, रेगुलर क्लासेस में ठीक से सिखाते भी तो नहीं। आई टेल यू, ये मदन सर जो है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। सो नेक्स्ट थर्सडे लंच के बाद Let's all gather in the quadrangle to prepare for Vishwas Mogre's welcome. 2:30 sharp on Thursday. Don't schedule any lectures at that time, please. Excuse me, sir. Sir, hum log bureaucracy ke kehne pe kyun kaam kar rahe hain, sir? I mean, this is nothing but just political interference in education. But why do you call it politics? Vishwas saab ke hi good book se management ne pehla school khola tha. Ab wo is shahar mein coaching class se shuru karna chahte hain, so it's our turn to cooperate. But sir, college premises ke andar coaching classes? I mean sir, do we actually need what's the problem with that? Look at it this way, isse students ke travel time ke sath expenses kam honge aur yahi baithe baithe unhe competition exams ki taiyari ka behtar mauka milega. I see it as a win-win for both. I am sure that the rest of you will all agree with me. I'm not surprised. ये लोग टेम्पल ऑफ एजुकेशन को शॉपिंग मॉल ऑफ एजुकेशन बनाने पे लगे हुए हैं। That's why 15-15 साल के स्टूडेंट्स को हार्ट अटैक हो रहा है। I mean, कितना स्ट्रेस दे रहे हैं हम बच्चों को, किस लिए? लकीली मेरे यहाँ प्रिंसिपल और मैनेजमेंट दोनों ओल्ड स्कूल हैं। पर कॉलेज कैंपस के अंदर कोचिंग क्लासेस? संतोषी, तू मैनेजमेंट चेंज नहीं कर सकती है ना, सो जस्ट डू योर जॉब। मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। And I love teaching, damn it. I know, तुम दोनों किसका शुरू हो गए? Okay, okay. संतोषी, तुम सिर्फ गुस्सा खाओगी या थोड़ा डिनर भी? Exactly. जब डिनर पिज्जा हो सकता है तो टीचिंग में क्या प्रॉब्लम है? ये तो कुछ भी नहीं है। इस साल के केरला गवर्नमेंट सर्विस सिलेक्शन के एग्जाम में दो लोगों के हाइट्स कंपेयर करने के लिए कहा गया था, पता है कौन? हिटलर एंड नेपोलियन। कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण। What? Who is taller? That's a tough question. Steve. Yes, ma'am. You dance? Yes, ma'am. Come show us a dance. Right now? Yeah. Come on. Come on, come on. Don't waste time. Okay. Okay. मैम, डांस और म्यूजिक के मामले में एकदम औरंगजेब हूँ मैम, नहीं होगा मैम। चलो, हिस्ट्री तो सही है तुम्हारी, चलो जाओ। मैम नहीं होगा मैम। ट्राई मैम, प्लीज ट्राई।
ओके थैंक यू। स्टीव क्या गलती थी? मैम बेसिक ही गलत पकड़ा है, बेसिक स्टेप ही गलत है। तो वो बेसिक सीख लेगा तो तुम्हारे तरह डांस कर लेगा? प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। एग्जैक्टली, सो बेसिक्स एंड प्रैक्टिस, राइट? थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। आप लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए, मार्क्स खुद ब खुद आ जाएंगे। फिलहाल हम ट्वेल्थ के कोर्स को रहने देते हैं, कुछ बेसिक्स रिवाइज करते हैं। टेंथ और इलेवेंथ से शुरू करते हैं। बाय द वे, टीचिंग में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स। रॉन्ग। कैसे ये मैं आपको कल बताऊंगी जब हमें मिस्टर गूगल कपूर ग्रेविटी पढ़ाएंगे। मैं? एक चूहा और हाथी अगर एक ही हाइट से गिरे तो पहले कौन गिरेगा? थैंक यू कमला जी। कल क्लास में पढ़ाना है। डैड दिस टीचर इज डिफरेंट, लेट मी कॉन्सेंट्रेट प्लीज। मॉर्निंग संतोषी। मॉर्निंग। हमें लगा आप क्लास 12 को फिजिक्स पढ़ा रही हैं। नहीं, वो आपके स्टूडेंट्स 10th की बुक्स रेफर कर रहे थे लाइब्रेरी में। वो क्या है कि ये स्टूडेंट्स आपके स्टूडेंट्स जैसे ब्राइट नहीं है ना, और ना ही इनके टीचर, सो दे विल टेक सम टाइम। सो व्हेन द प्रिज्म इज इन मिनिमम डेविएशन द येलो कलर रन्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। वैसे ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है। फिलहाल हमें सोहेल ग्रेविटी पढ़ाएंगे कि एक हाथी और चूहा अगर 200 फीट के हाइट से गिरे तो पहले नीचे कौन गिरेगा? दोस्त मत करो यार। मैम हाथी और चूहा दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगे। एक्सप्लेन कीजिए ना सर। कहूँ तेरी तो लर्न टू अर्न योर रिस्पेक्ट टीचर। सॉरी मैम। So this is the elephant and this is the mouse. See, 1,000 times the F, that is force, acting on 1,000 times the M, that is mass, results in the same acceleration if we neglect the air resistance. So, जब हाथी और चूहा 200 feet से नीचे गिरेंगे, दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे।
So, कैसा लगा? Honestly, मैं मेरी तो फटी हुई थी. Sorry. लेकिन पढ़ाने के चक्कर में मेरे खुद के बहुत सारे फंडे क्लियर हो गए. तो पढ़ाने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? टीचर को. टीचर को? क्यों? क्योंकि उसके फंडे क्लियर हो जाते हैं, राइट? तो अब से हम लोग क्लास में एक दूसरे को पढ़ाएंगे. जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है वो उसको, जिसकी वीक है वैसे ही मैथ्स और फिजिक्स. स्टीव औरंगजेब को डांस सिखाएगा. मैम प्लीज, दिस इज पनिशमेंट. और कहो, कल तुम हम सबको ये पढ़ाओगी कि पॉप सिंगर बियॉन्से ने नासा साइंटिस्ट से सॉरी क्यों कहा. एक्सक्यूज मी मैम. संतोषी मैम, वो आपने गाड़ी का शीशा अभी तक चेंज नहीं कराया. आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं? नहीं, बल्कि थैंकफुल. हमारी माँ कहती है कि जो भी तुम्हें कुछ सिखा जाए वही तुम्हारा टीचर है. उस दिन क्लास में सबके सामने अगर गूगल पे तुमने वो वीडियो नहीं दिखाया होता तो शायद पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता. सो थैंक यू. गूगल वाकई कमाल की चीज है ना. हैप्पी मैम. सी यू टुमारो मैम. टुमारो इज अ हॉलिडे. आ रहा है. व्हाट? अबे वो गाड़ी का जो शीशा टूट गया था ना, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलने गया था. तो मैंने बात याद आई तुझे. वैसे मैम क्यूट है. नहीं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस? पता कितनी सीनियर है वो. पर 4 महीने बाद तो सिंगल होगी ना. कहो तेरी. एनीवेज, नाउ आई कैन फाइंड अ नाइस हैंडसम गाय फॉर माय सेल्फ. व्हाट्स इट? एक काम क्यों नहीं करते तुम लोग, वॉकी टॉकी जाओ. किसी को लिफ्ट नहीं देने वाला मैं. अभी लिफ्ट नहीं देगा तो जाएंगे कैसे? अरे यार सुवेल रुको सुवेल यार, कम ऑन मैन. आई नो बट ये आपका शहर है. दिल्ली, कोटा या हैदराबाद क्यों जाओगे? मैं चाहता हूं कि आप हमारे यहां पढ़ाएं. 1 लाख हमारे यहाँ एक अच्छा फिगर नहीं माना जाता. सवा शुभ होता है. मदन जी, मिसेस गुरबख्शानी, क्वेश्चन पेपर्स. प्रिंसिपल सानी हैड आस्क्ड मी टू सेट देम. कैसे क्वेश्चन पेपर्स? फर्स्ट सेमेस्टर टेस्ट, स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन चेक करने के लिए, वो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं या नहीं. अगले मंडे से शुरू होंगे. मिस्टर नेविल, दिस इज योर्स. थैंक यू. वी विल फॉर्मलाइज इट नेक्स्ट वीक. राइट. थैंक यू. Goodbye. Goodbye. Well, that was Ratan Roy, the physics and maths professor. मैं उसे कोटा से निकालकर हमारे कोचिंग क्लासेस में ले रहा हूँ. टेस्ट को लेकर क्या प्रॉब्लम बता रही थी? प्लीज. थैंक यू सर. सर, एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स के साथ कुछ बेसिक्स रिवाइज कर रही थी, तो मतलब मुझे लगा कि आई जस्ट हैव टू डू 180 डिग्री टर्न विद दिस स्टूडेंट्स. सो आई वाज जस्ट नो टेक्स्ट बुक्स, क्रिकेट पिच पे ट्रेजेक्टरी, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, क्लासरूम में गिटार ड्रम के साथ साउंड. इन फैक्ट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. बट बेसिक्स पे काम स्कूल में होता है. यहाँ तो प्रिस्क्राइब सिलेबस ख़त्म करने के लिए भी वक्त नहीं है सर. पर यूनिवर्सिटी सिलेबस बना देते हैं. हम टीचर्स हैं, सेल्समैन नहीं जिन्हें सिर्फ टारगेट पूरा करना हो.
अगले साल फर्स्ट 50 टॉपर्स हमारे यहाँ से हो, ये मैनेजमेंट का टारगेट है। इसलिए टेस्ट होते हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं। ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव कि सिर्फ टेस्ट ही एक स्टूडेंट की काबिलियत या फ्यूचर तय कर सकती है। फ्यूचर? आप फ्यूचर की बात कर रही हैं? डू यू नो कि मैनेजमेंट ने इंटरनेट में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है स्टूडेंट्स को डिजिटल कॉन्टेंट प्रोवाइड करने के लिए? हो सकता है कि फ्यूचर में आप जैसे टीचर्स ही ना रहे। उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए भी तो टीचर्स चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स कैसे तैयार होंगे? फिर तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा। आप एक बात बताएंगी, आपके स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे या नहीं? सर मुझे सिर्फ कुछ सेशंस चाहिए उनके साथ ताकि मैं आप बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात कर रही हैं। टेस्ट नहीं होंगे तो मुझे सेक्शन डी को सस्पेंड करना पड़ेगा और वो फाइनल एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। वैसे इसमें मैनेजमेंट का ही फायदा है, एवरेज पास परसेंटेज बढ़ जाएगा। सर मैं आपसे पूरा साल नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे 2 महीने और आपको सस्पेंड करो। प्लीज एजुकेट मी। What do I do? He just won't listen. ये टेस्ट मतलब स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करने के लिए होता है या पनिशमेंट देने के लिए, मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा। एंड ऐसे टेस्ट से वो तो और ज्यादा डिफाइंड हो जाएंगे। भाई उनसे इस बारे में डिबेट करना बेकार है। For them it's just cocktail party conversation. You know, मुझे कभी कभी लगता है कि ये बिखरे हुए बच्चों को एजुकेट करना ज्यादा आसान है than to repair all these broken men. पर मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि ये बच्चे ना इतने अच्छे से पिकअप कर रहे थे and it's just... Now, Mr. Roy, don't be afraid to be firm with this class. Hmm? They need it, okay? All right. You guys are very lucky this year. This is Professor Ratan Roy, one of the best physics professors. Aaj se, he is with you. Get started right away. This class has a lot of catching up to do. Right. You heard him? So let's not waste any time, huh? Get your textbooks out. Come on, get your textbooks out. Good. We'll take each subject one by one. Light, sound, electronics. Let's start with light. We'll start with the refractive index. Of course, I don't have to tell you what refraction is. Let's take the prism formula. It's one of the most important experiments in light. Let's consider a prism A, B, C. So totally, it has 3 surfaces, A, B, B, C, and AC. Let's consider a light ray, PQ, is incidenting on the surface A, B at the point Q. So this PQ is called incidental light ray at the point Q by drawing a normal line. So incident light ray with respect to normal line is called angle of incidence. So in the prism formula, we get the refractive index mu of the given prism. Is that clear? Yes. Hi, Santoshi ma'am. Yeah. I'm Suhail, her student. Oh, hi. I'm Khushid. Santoshi's best friend. Come in, come. Santoshi, visitor.
You're the Google boy, right? She tells me everything. Pasta. बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं. Santoshi loves my cooking. You know, sometimes I marinate it overnight. I just love experimenting. I hate pasta. Carbs. So है? How come? मैम वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपकी गाड़ी देखी. वो आपने ग्लास नहीं रिप्लेस किया अभी तक? ये पूछने आए थे? नो मैम, मैं पूछा मतलब हम सब पूछ रहे थे कि आपने जॉब छोड़ दिया है. मैं तुम लोगों को ठीक से पढ़ाती नहीं थी, सो आई वाज आस्क्ड टू लीव. आई थिंक आई हैव क्रैक्ड द सॉस दिस टाइम, यू आर गोना लव इट. पास्ता? मैम मैं पापा से बात करूं? He's a senior lawyer. आप केस कर दीजिए. थैंक्स सुहेल, पर मैं अपने लिए तुम सबको मुसीबत में नहीं डाल सकती. मैम बट मैं फिजिक्स आपसे ही पढ़ूंगा. अकेले फिजिक्स से क्या होगा? हजार रुपए कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता. जस्ट इन टाइम फॉर पास्ता. संतोषी, इस एरिया में सब्जियां कितनी महंगी मिलती हैं. हेलो. हेलो सुहेल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय बेटर हाफ. Oh, that's my friend Bina. Hi. Hi. Would you like some pasta? Sure. Here. Ma'am, तो फिर कल से मैं पढ़ने आ रहा हूँ. Okay. Thank you, ma'am. Bye, everyone. See you. Bye. He's totally fed on you. कुछ भी. बॉस, इस मामले में रुखसाना का मैथ्स मुझसे बेटर है. ओके, फिजिक्स मैं पढ़ा रही हूँ. केमिस्ट्री और मैथ्स कौन पढ़ाएगा? मैथ्स के लिए गुड फॉर नथिंग है ना. केमिस्ट्री मैं पढ़ा देती हूँ. लेट इवनिंग हाँ, आफ्टर लेक्चर्स. और लैब का भी अरेंजमेंट कर दूंगी मैं. दैट साउंड्स ग्रेट. हेलो, कोई मुझसे भी पूछे? तुम मैथ्स पढ़ा रहे हो? रियली? नहीं तो माँ को बता दूंगी. सो वी कैन सिंपली डिफाइन विंड स्पीड और विंड वेलोसिटी एज अ फंडामेंटल एटमॉस्फेरिक रेट. विंड स्पीड इज कॉज्ड बाय एयर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो व्हाट वी हैव हियर इज maximum when theta is 45 degrees. मैम, अगर मैं स्पीड, हाइट और ट्रैजेक्टरी सीख जाऊंगा तो क्या मैं बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन जैसे बन पाऊंगा? Here we have the sun, which is warmer region, low pressure. From here to here is how the air moves, from high to low. That's the wind velocity. V is equal to VO plus F. Pressure gradient acceleration. F is equal to 1 upon D. P1 minus P2 upon N. D is the density of air. P1 is the pressure of the first region. P2 is the pressure of the second region. Kya? मैं घर नहीं जा रहा हूं.
क्लासेस बंक करके आए हो? नहीं मैम, वो आपकी फीस अकेले में तो दे नहीं सकता था ना मैम, इसलिए लगा शेयर होल्डर्स तो चाहिए। शट अप, कुछ निकम्मों की तरह डमी अटेंडेंस की आदत मत डालो, कॉलेज आज के बाद ही कल से आओगे, समझे? नहीं मैम, वो स्कूल्स और कॉलेजेस सिर्फ लेक्चर्स के लिए नहीं होते हैं, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, पर्सनैलिटी डिवेलप होती है। और कुछ पूछना है? किचन में कुछ है? गो हेल्प योरसेल्फ। ओके। मेरे लिए एक सैंडविच भी, खाने के साथ साथ खिलाना भी सिखाऊंगी बेटा, कम अलोंग। ओके लिसन, खुर्शीद सर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अगर हम IIT JEE के लिए भी तैयारी करें। What do you guys have to say? Kuhu? हाँ माँ। ये लो बेटे, ये सोसाइटी ऑफिस में दे देना चेक। ओके। कॉलेज फीस 40, कोचिंग क्लासेस 1,20,000 और संतोषी मैम की फीस 20, 40 और टोटल 1,80,000। ये तीन फीस हम लोग दे पाएंगे? माँ प्लीज, तुम्हारी परेशानी मेरी फीस नहीं भर पाएंगी। वैसे मैं बैंक से लोन ले सकती हूँ, 1,20,000 तक तो मिल जाएगा। ताकि मैं पढ़ाई करके नौकरी करूँ और जिंदगी भर लोन चुकाती रहूँ। कोई बात नहीं माँ, वो 1,20,000 कम हो जाएंगे, मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं करूँगी। लेकिन तुम एक्स्ट्रा क्लास नहीं करोगी तो तुम्हारे मार्क्स? माँ देखा जाएगा। हाँ चेयर। I have been told कि एक महीने से कुछ students हमारे special classes से absent हैं। It's not their fault really। एक suspended teacher इन students को mislead कर रही है। I know कि संतोषी का पढ़ाने का तरीका अलग है, but वो इन बच्चों के साथ experiment कर रही है। For संतोषी, these students are nothing more than guinea pigs। लेकिन sir, बच्चों की जिम्मेदारी तो आपकी है ना? Isn't it your responsibility to take care of the students? हम लोग उनकी फीस देते हैं। Right, we can't let this happen. Principal Sani, may I speak? Yeah, yes, please. To tell you the truth, मेरे बेटे सोहेल ने एक हफ्ते पहले मुझसे कहा कि वो कॉलेज बंक कर रहा है और बाहर के क्लासेस अटेंड कर रहा है। Now, please just hear me out. मैंने हमेशा ये माना है कि मेरा बेटा सोहेल aimless, unfocused, spoiled लड़का है। And I can't really blame him. It's my fault. After all, he's never had to pay for anything in his life. इस स्पॉइल्ड अनफोकस्ड एमलेस लड़के ने खुद आकर मुझसे कहा कि वो कॉलेज बंक कर रहा है टू अटेंड आउटसाइड लेक्चर्स। मैंने डायरेक्टली उसे पूछा, क्या ये तुम्हारा फैसला है या किसी और की इन्फ्लुएंस? ही सेड, डैड, ये मेरा फैसला है। माय सन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ इज टेकिंग अ स्टैंड। अब अगर ये इस टीचर की वजह से है, then I'm sorry but
he has my full support. Very well. जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं वो अंडरटेकिंग दें कि बोर्ड एग्जाम में उनके बच्चों के रिजल्ट्स के लिए दिस इंस्टीट्यूशन एंड इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. सर, आई एम अ लॉयर, आई अंडरस्टैंड द इम्प्लिकेशंस, और मैं अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूं, बट प्लीज जस्ट humor me for a second. मान लेते हैं कि मेरा बेटा सुहेल, इनफैक्ट मान लेते हैं कि सारे बच्चे बाहर की क्लासेस नहीं बल्कि आपकी स्पेशल क्लासेस अटेंड करते, तो क्या आप अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हो जाएंगे? विल यू देन बी रेडी टू गारंटी कि सारे बच्चों को 90% मिलेंगे, सेम लाइक ए एंड बी डिविजन? तेरे फादर जैसे नहीं है तो आई नो दैट, मगर बात तो कर उनसे. हाउ डू यू नो, मे बी द प्रिंसिपल इज राइट. एंड ग्रेड्स खराब हुए तो विल योर फादर कीप क्वाइट? ग्रेट, एक महीने यहाँ पड़ेगी तो सेक्शन ए में चली जाएगी. नहीं जाएंगे, लेकिन फेल तो नहीं होंगे ना? तो फिर मेरे डैड के कहने पे प्रिंसिपल ने अंडरटेकिंग क्यों नहीं दी? Let's face it, yeah. Santoshi ma'am ne sirf padhaya hi nahi, padhne ke liye inspire bhi kiya hai. Humare kitne funding clear kiye hain. Tu Santoshi ma'am ki itni side kyun le raha hai? Kya matlab? Jaane de yaar, sabko pata hai. Kya pata hai? Nahi, tera kya matlab hai? Puram, I'm talking to you. Kya? Tujhe na, tujhe teacher syndrome hai. Aur tu wahan padhne nahi jata hai, teacher ko dekhne jata hai, samjha? What? Agar tujhe lag raha hai main galat bol raha hu, to puchna inse. Woody, tell him. What are you Woody? Saying? ऐसा कुछ नहीं है. Mr. Valecha, boss गया तो ए और बी सेक्शन के टॉपर्स भी उनके साथ चले जाएंगे और वी नीड टू कन्विंस हिम. कॉल हिम इन. मिस्टर बोस, हम भी चाहते हैं कि आप तरक्की करें, खूब कमाएं, लेकिन यू हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स. आफ्टर ऑल वी ओ इट टू आवर स्टूडेंट्स, इट्स अ फ्यूचर. आई थिंक सर, लेट्स जस्ट गेट टू द पॉइंट. क्या था ऑफर उनका? 1.5 प्लस अ बीएमडब्ल्यू. We'll make it 2 lakhs in a car. Exams ke baad kya guarantee hai ki I will not be thrown out? You have my word. I would be happy with 6 months salary in advance. This is blackmail. No sir, just business. टीचर पोचिंग कोई नई बात नहीं है, वैसे प्रोफेसर रतन रॉय भी तो ऐसे ही आए हैं.
Okay, let's forget about your friends. Shall we start? You see, 12th के बोर्ड में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, they are mostly going to be subjective. लेकिन IIT JEE exams में आपके क्वेश्चंस होंगे objective. So, our approach should be different. You know, we need to prepare differently. ठीक है? Right. Lab को अपना playing field समझो. इसे अपना डांस फ्लोर बनाओ. ये सब जो एसिड्स हैं, सॉल्यूशंस, कलर्स, बीकर्स, गेट फैमिलियर विद ऑल ऑफ देम. या इन्हें अपना दोस्त बनाओ. दैट्स राइट. ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट्स नाउ. एज यू कैन सी दैट जर्मेनियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स ईच, बट इंडियम हैज ओनली 3. So that's creating this hole, right? Clear? No. Okay, treat this like a football field. सिर्फ 11 खिलाड़ी के जगह यहाँ 10 खिलाड़ी हैं. Board exam में 1 mark, 2 marks, 3 marks और 5 marks के questions होते हैं. 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1 वर्ड या 1 लाइन में जवाब दो. ओके, 5 मार्क क्वेश्चंस नीड अ लॉन्गर आंसर. अब पेपर खत्म होने के बाद उसे एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या गलत हुआ, कितने मार्क्स मिलेंगे. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. अगले दिन की तैयारी करो. क्वेश्चन पेपर्स मिलते ही आंसर्स मत लिखने लग जाना. पहले क्वेश्चंस को आराम से पढ़ो, उन्हें समझो. दे कुड बी ट्रिकी समटाइम्स, एंड अटेम्प्ट द इजीयर वंस फर्स्ट, देन एड्रेस द डिफिकल्ट वंस. जस्ट क्लोज योर आईज फॉर सम टाइम, कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट एंड देन स्टार्ट. God, this one's over. अभी IIT JEE की एग्जाम सर पर है और वो भी 10 दिन के अंदर. Man, I need a break. I can't go on like this. Nothing is over. It's quite obvious कि तुम लोगों की समझ में अब तक नहीं आया है that this is a crisis situation. तुम लोगों की चॉइस थी कि बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT एग्जाम एक ही साल में अटेम्प्ट करना है. अच्छी तरह से जानते हो दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है. इट्स अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश ऑल टुगेदर. माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कोई बेवकूफ नहीं है जो करोड़ रुपए खर्च करके IIT से स्टूडेंट्स रिक्रूट करते हैं. सो यू ब्लडी विल बी वर्थ इट. अगर नहीं होता ना तुम लोगों से, लेट्स स्टॉप इट राइट नाउ. आप सही है सर, क्राइसिस तो है मेरे घर पे. लाइक कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस. संतोषी मैम, लाइक आई कांट सी माय मॉम गेटिंग सो टेंस्ड. इट्स बिकम अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. कम व्हाट मे, मुझे IIT इसी साल करनी पड़ेगी. आई बर्न द मिडनाइट ऑयल, बट आई जस्ट कांट स्टॉप. ग्रेट, टी डिवीजन वाले सुपर हीरो बनना चाहते हैं, ए डिवीजन से मुकाबला करेंगे. प्लीज कुशित सर, इट्स नॉट दैट, बट संतोषी मैम ने हम लोगों के अंदर एक सेल्फ बिलीव पैदा किया है. देखा जाए तो मैं 5 साल बाद भी एग्जाम दे सकता हूँ. माय टाइम विल कीप मी गोइंग. मतलब बात वो नहीं है, इट्स नॉट दैट कि मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूँ या IIT का एग्जाम देकर. आई ओ इट टू माय डैड एंड ऑफ कोर्स संतोषी मैम. सर, वी नो नो वन गिव्स अस अ चांस, बट बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हमें बहुत कॉन्फिडेंस आया है. सो
Now we want your confidence. Are you with us or not? Santoshi, they're on. I grilled them. Demoralize कर दिया उन लोगों को. बिल्कुल जैसे माँ ने हम लोगों के साथ किया था एक बार, याद है ना? कू तो रो पड़ी. Exactly like you. But Sohail was like me. Determined. I think they're ready. इन लोगों को यहां तक लाने में हम लोगों ने बहुत मेहनत की. बस नाउ फॉर दैट फाइनल राउंड. या लास्ट ईयर JEE एडवांस पेपर वन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं पढ़े. सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि काफी सारे क्वेश्चंस उन्होंने छोड़ दिए एंड दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ मार्क्स व्हिच दे शुडंट हैव. सो द आइडिया इज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली एंड देन प्रोसीड. ओके गाइस, दिस इज इट. गुड लक. गाइस कूल यार, ये मत सोचो कि अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा. हमें ये सोचना है कि अगर हम सिलेक्ट हो गए तो हमारे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं. Easier said than done, दोस्त. Boys and girls, good morning. Welcome to the IIT JEE entrance exams. You know the rules? So good luck. Your time starts now. अच्छा सुनना, मैं सोच रहा था कि अगर JEE में क्लियर हो गया पर बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया तो. अबे IIT और मेडिकल के अलावा भी तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तू एक काम क्यों नहीं करता, तू IIT के कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट ले ले. बिजनेस का बिजनेस और खाना भी फ्री हो जाएगा. और अगर लोग पूछेंगे तो कह देना IIT में. जवानी में लोग सोचेंगे तू स्टूडेंट है और बुढ़ापे में टीचर. वेरी फनी. बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट में अभी 10 दिन बाकी हैं और मेरी नींद तो अभी से उड़ी हुई है.
I am very proud to note that over 60% of our students have scored more than 90% in their board exams. Aur is saal ka joint topper, once again, hamare college ka hi hai, Bishwadeep, who has scored 98.7%. Ye hamare college ka 5 saal se performance record hai. Thank you to my teacher, Mr. Bose, sir, my principal, Mr. P.K. Sahani, sir, my college, Presidency College, and my parents, my friends who supported me throughout. Mere mummy papa hamesha chahte the ki main 98-99% score karu. Aaj mujhe lag raha hai maine unka pura sapna pura kiya hai. So thank you so much. क्या हुआ सोहेल? तुम्हारे तो 90% आए होंगे. 61 सर. सो व्हाट डज योर फादर हैव टू से नाउ? यू गाइस कम एंड सी मी, आई विल सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू. You just want the books? Yeah. मैं नहीं चाहती कि गलत जगह रह के उनकी बेइज्जती हो. Okay, divorce granted. Can I drop you somewhere? तो आगे क्या सोचा है? Any plans? गाड़ी की कांच बदलनी है. टाइम मिल जाता है मैं भी. आई कुड हैव. या आई नो किड्स वर इंप्रूविंग. अरे लेकिन 45-50% से 62% तो आए ना, उसकी खुशी मनाओ. कम ऑन चेस. सही कहा, इसलिए मैं माँ के पास जा रही हूँ. अकेले ही सेलिब्रेट करेगी? Ruksana was probably right. At least 60-62% तक तो पहुंचे. और IIT entrance exams को लेकर तो हमेशा ही डर लगा रहता है. शायद दोबारा ये सिचुएशन फेस नहीं कर पाऊंगी, इसलिए माँ के पास जा रही हूँ. 15 दिन में इन सबका फ्यूचर तय होगा.
पढ़ रही थी कि सर्जरी के ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा था। कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि हमने गलतियां की और सीखा कि अगली बार क्या सही करना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स ने कहा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। पता कौन सिलेक्ट हुए? वो जिन्होंने गलतियां की, जो फेल हुए, क्योंकि उन्होंने अपने गलतियों से सीखा कि क्या सही करना चाहिए। फेल वही होते हैं जो गलतियां करते हैं, वरना सबसे सुखी मुर्दा होता, नहीं? संतोषी जी, माँ बुला रही है। वैसे शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एवरेज स्टूडेंट्स आईआईटी एंट्रेंस में कामयाब हुए हैं। या वेरी ट्रू। ओ देयर शी इज। ये टीवी क्रूज तुमसे मिलने मुंबई से आए हैं। मुझसे? मैम, इट्स अबाउट द आईआईटी जेईई रिजल्ट्स। कैन वी टॉक टू यू? चलिए आप लोग अंदर आइए। कम Where the hell has she disappeared, yeah? अभी तक पूरा अनरीचेबल जा रहा है। Maybe उन्हें हमसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब ये खबर उन तक पहुंचाएंगे कैसे? I don't know. After working so hard, she can't do this to us. That boy Steve Fernandez is one of the IIT JEE success stories. The press is waiting. Shall we go? Khushi sir, aapko to malum hi hoga. There she is. I am very proud to say that many of our students came out with flying colors in the JEE exams. Hamare extra classes ne un students ka bhavishya hi badal diya hai. Jinhe 61, 62, 63% mile hain board exams mein. Okay? Thank you very much. Excuse me. Thank you. Morning, Cynthia. Is he in? No, Mr. Roy. When can I see him? Woh nahi milenge. Sorry, I need to talk to him. He can't see you. Wo ek teacher's recruitment meeting mein hai. He can't be disturbed. I can't figure this out. Students wo bhi D division se make it, but Bishwadeep jaise toppers reh gaye. What do you say? Something wrong with our education system? सी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं पर वो इनके एप्लीकेशन नहीं समझते। सो ये टीच मोर पर लर्न लेस, ये जो पॉलिसी है, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये बच्चे इसलिए कामयाब हुए क्योंकि ये लोग सिर्फ किताबी कीड़े बन के नहीं रह गए थे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ डिग्री और अ सर्टिफिकेट इज नॉट इक्वल टू एजुकेशन। कॉलेज यस, प्रिंसिपल ऑफ कोर्स, बट फ्रैंकली हम लोगों के सक्सेस का क्रेडिट अगर किसी टीचर को जाना चाहिए तो वो है वो टीचर जिसे कॉलेज ने सस्पेंड किया था, संतोषी मैम। साइबर स्पेस से हमें धरती पे लेके आई, हमें बताया कि 10 साल बाद कोई हमसे ये नहीं पूछने वाला कि हमने कौन से कॉलेज से पास आउट किया या कितना स्कोर किया है। क्वालिटी विल मैटर, नॉट क्वान्टिटी। थैंक यू संतोषी मैम, आई सीरियसली हैव नो वर्ड्स फॉर यू।
यहाँ बरसात में बैठे बैठे क्या कर रहे हो? Let's try it differently next time. Chill, bro. You can do it. Surprised? Congratulations. Honestly, board exams ke baad mujhe bilkul bhi. But anyway, I'm so happy. We are back to trouble you, ma'am, and it's all your fault. So, come on, Woody. You think I can still make it? Absolutely. There's always next year. I'm actually confused, ma'am. Studying or learning mein bahut fark hai. Come in, let me tell you something. दुनिया में ऐसे बहुत सारे developed countries हैं, go on. जहाँ ऐसे schools हैं, जहाँ कोई fixed curriculum नहीं होता, ना tests होती है, ना homework दिया जाता है, और lectures भी requests भी होती, और ऐसे schools से 80% students को colleges में admission मिलती है, और वही students आगे जाके उस देश में innovations लाते हैं, successful होते हैं, progress करते हैं. दुनिया में कोई भी देश सिर्फ रैंक होल्डर्स के बलबूते पे नहीं चल